हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के मजदूरों को जिस तरीके से झूठे वादे झूठे दिलासे दिलाए, तो लोगों ने सोचा कि एक गुजरात का आदमी है, एक मठ में बैठा संत है, हो सकता है ये लोग सही बात बोल रहे हो। किसी नौजवान ने रोजगार पाने के लिए, किसानों ने अपने मूल का सही उपज पाने के लिए, और गरीबों ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फर्जी झूठे आश्वासन पे उनको वोट दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में आई। लेकिन 4 साल केंद्र सरकार के बीच जाने के बाद हमारे हिंदुस्तान की जनता को इन्होंने जो वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हम नौजवानों को हर साल देंगे, तो साथियों भारतीय जनता पार्टी के इस झूठे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की युवाओं को चला और 2 करोड़ के बाद छोड़ दिए। पूरे देश में 50,000 रोजगार एक साल में देने का काम भी मोदी जी ने नहीं किया, और किसानों को जो लगता था ये काला धन लाएगा और हमारे खाते में 15 लाख जमा हो जाएगा, गरीब आदमी जिसने पूरे जिंदगी में 5 लाख नहीं देखे थे, झूठे आश्वासन में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और वोट लेने के बाद इसी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पैसा देने की बात जो हम लोगों ने कही थी वो जुमलेबाजी थी। तो साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे, हम पेट्रोल के दाम कम करेंगे, हम डीजल के दाम कम करेंगे, हम मोरम के दाम कम करेंगे, हम बालू के दाम कम करेंगे। लेकिन साथियों जैसे सरकार आई, सारे का सारा इन्होंने माफियाओं के हाथ में दे दिया, तेल रिलायंस के हाथ में दे दिया, मोरम माफियाओं के हाथ में दे दिया, बालू माफियाओं के हाथ में दे दिया। आज जो बालू 10,000 के बिकते थे, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज 60,000-70,000 एक ट्रक मोरम की कीमत हो गई है। गरीब आदमी अपना घर नहीं बना पा रहा है, गरीब आदमी अपने खेती के लिए डीजल नहीं खरीद पा रहा है, गरीब आदमी घर में डबरी जलाने के लिए, घर में लालटेन जलाने के लिए मिट्टी के तेल नहीं खरीद पा रहा है। और दूसरा छलावा इन्होंने तो हमारे गांव के गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग गांव में लकड़ियां बीन करके खाना बनाने का काम करते थे, इस मोदी और योगी की सरकार ने उनको एक एक गैस सिलेंडर मुफ्त देने का काम किया। साथियों एक बार सिलेंडर भरा के हमको दे दिया गया, हमारे गरीब जनता को दे दिया गया, लेकिन दोबारा जब वो सिलेंडर 50 दिन में 20 दिन में 10 दिन में खत्म हुआ तो हमारे गरीब भाइयों के पास 900 रुपया नहीं था कि वो गैस सिलेंडर को भरा सके और हमारी महिलाएं घर में गैस से खाना बना सके। चला हुआ था जिन लोगों को फ्री में खाना बनाने की आदत थी, गांव में लकड़ियों बिन करके खाना बनाने की आदत थी, वो 900 रुपया कहाँ पाएंगे, और 900 रुपया प्रत महीने 900 रुपया कैसे पाएंगे, कैसे गैस भराएंगे, कैसे खाना बनाएंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार ने हमारे प्रदेश की महिलाओं को, 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया, जिनको 500 रुपया 600 रुपया 700 रुपया 750 रुपया प्रतिमाह हमारी गरीब महिलाओं को, हमारे गांव की महिलाओं को सरकार ने 550 से लगा करके 750 रुपया हर महीने देने का काम किया। इस जालिम सरकार ने उन महिलाओं के हाथ से पेंशन भी छीन लिया। साथियों मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार केवल पूंजीपतियों की है, यह सरकार गांव में बड़े बड़े लोगों की सरकार है, ये जिले में जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी सरकार है, ये सरकार पूंजीपतियों की है, ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये सरकार मजदूरों की नहीं है, ये सरकार आम लोगों की नहीं है। इसलिए साथियों आप लोग वोट देने के पहले इस बार सोच लीजिएगा कि सत्ता में कुर्सी में जालिम बैठेगा कि सत्ता में किसान का बेटा बैठेगा।
जान लीजिएगा कि कुर्सी में हमें झूठे लोगों को बैठाना है कि हमें कुर्सी में ऐसा आदमी बैठाना है जो बात सच्ची करे और काम भी सच्चा करे। तो साथियों, मेरा धरने के माध्यम से और इस तहसील प्रांगण में आप सभी लोगों से निवेदन है और जो यहाँ लोग सुन रहे हैं सारे लोगों से निवेदन है कि साथियों, हमको उसके साथ रहना चाहिए जो अपनी वादों को निभाए, अपनी बातों को निभाए। हमको ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए, चाहे हमारे घर का आदमी हो, चाहे हमारे दल का आदमी हो, जो बात कुछ और करे, काम कुछ और करे। तो साथियों,